सुदेशना प्रणाम। सुदेशना की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, हमारा आज का विषय है समय, टाइम, काल। बंधी हुई हैं हर कलाई पर घड़ियां और पकड़ में एक भी लम्हा नहीं आता। और कुछ लोग इस दुनिया में चलते तो बहुत हैं, पहुंचते कहीं नहीं, ये एक विडंबना है। दरअसल समय बहुत बलवान है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अनवरत निरंतर चलता ही रहता है। तब भी जब आप कोई सृजन कर रहे होते हैं और तब भी जब आप सो रहे होते हैं, आलस्य और अकर्मण्यता से भरे हुए होते हैं या फिर निष्क्रिय। गतम गतम नैव सन्निवर्तते जलम नदीनाम नणाम चा यौवनम। नदियों का वही प्रवाह है और मनुष्य का वही यौवन जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए समय को हीरे मोती से भी अधिक मूल्यवान समझते हुए समय के प्रबंधन को, टाइम मैनेजमेंट, समय के सार्थक उपयोग को समझिए, सीख लीजिए। सुदेशना की पाठशाला आपको यह बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण, युगंधर श्री कृष्ण ने कितनी आला दर्जे की बात कही, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संयमी व्यक्ति, समयुक्त व्यक्ति स्वयं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने मन पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति उस समय जाग कर कार्य करता है जब सामान्य मनुष्य नींद में होते हैं। जिस समय को सामान्य व्यक्ति खा पी कर मौज मस्ती करके व्यतीत करते हैं, वह समय संयमी के विश्राम का समय होता है। समय का मूल्य समझने वाला आज का काम अभी करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। कल पर टालने वाला नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल को किसने देखा है? कल के बारे में ज्यादा सोचना नहीं अच्छा, चाय की प्याली से लबों का फासला है जिंदगी। इस हर क्षण परिवर्तनशील नश्वर संसार में, इस जीवन में कोई भी विश्वास के साथ ये नहीं कह सकता कि कल मैं रहूंगा, कल मैं करूंगा। इसलिए कर्म, तत्परता और निष्ठा पर बल देने वाले शतपथ ब्राह्मण में बहुत ही मायने वाली बात कही गई, ना श्वः स्वमुपासीत को ही मनुष्य सो वेद। अर्थात कल कल ना करें, कौन मनुष्य कल को जानता है। जीवन के अनुभवों को सार रूप में प्रस्तुत करने वाला एक और सुभाषित, अजरामरत प्राज्ञ विद्यामर्थ चा चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत। अर्थात यह सत्य है कि जीवन के सभी कार्य आज अभी नहीं किए जा सकते। लक्ष्यों का निर्धारण और उनकी प्राथमिकता के आधार पर समय को समझ और सही प्रबंधन के जरिए ही अपना बनाया जा सकता है। वैदिक वाङ्मय ने यही सूत्र दिया है, मनुष्य का लक्ष्य जब ज्ञान और धन का अर्जन हो, तब मनुष्य यह सोचे कि मैं तो अजर अमर हूं, यह कभी ना सोचे कि मैं तो कल मरने वाला हूं, या हो सकता है कि मैं कल रहूं ना रहूं। फिर आज पढ़कर, सीखकर और धन कमाकर क्या करूंगा। स्वयं को अजर अमर मानकर ज्ञान और अर्थ का चिंतन कीजिए। जब धर्म की बात आती है, पुण्य की बात आती है, सुकृत की बात आती है, तो ये सोचें कि मृत्यु ने मुझे केशों से पकड़ रखा है, एक ही झटके में मैं परलोक जा सकता हूं। परलोक में यह धर्म, यह पुण्य, यह सुकृत ही मेरे साथ जाएगा। यह सोचकर हर पल धर्ममय जीवन जिए, मानवता का जीवन जिए।
जहां भी दिखे अभाव वहां खुशियां बांटना सुदेशना का स्वभाव। सुदेशना है जहां प्रसन्नता है वहां। तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरिता नीर और दान दिए धनना घटे जो सहाय रघुवीर। सफलता की चाह रखने वाले मनुष्य के लिए यही हितोपदेश है, यही शिक्षा है। टाइम इज टाइड वेट फॉर नन। समय एक ऐसा घोड़ा है, सामने रहो तो मुंह मारता है, पीछे जाओ तो दुलत्ती झाड़ता है और उस पर सवार हो जाओ तो सरपट भागता है। तो काल समय के आराधक बनिए, समय का सदुपयोग कीजिए। सुदेशना की पाठशाला का यह संदेश अंगीकार कीजिए। आपके जीवन में समय प्रबंधन का सिद्धांत लागू हो, इसी शुभकामना के साथ सफलम भवतु। ओम आनंदम। बनी रहिए सुदेशना की पाठशाला के साथ।